इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमने कॉल की अपनी पूरी साल की परफॉर्मेंस को का ख़ुलासा आपसे शेयर करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने 2023 में कैसा परफॉर्म किया और कौन कौन से हेड्स ने बेहतर परफॉर्म किया और कैसे कैसे हमने चैलेंजेस जो हैं उनको फेस किया और उनके साथ उनको कन्फ्रंट किया। तो पहले जो टोटल हमारे साल के जो केसेस थे, हमने 5 साल पिछले जो केसेस थे, यानी कि 2018 से 23 तक के तमाम केसेस जो पेंडिंग थे, जिनके चलान कोर्ट्स में नहीं गए हुए थे, उन तमाम को इकट्ठा करके हमने चलान भिजवाए, जो 4,92,000 केसेस हुए और जो इस साल के मिला के इस साल के अलहदा 1,77,000 मुकदमा थे, 1,77,000 केसेस उनके हमने चलान कोर्ट्स में भिजवाए। ये टोटल इनके 5,00,000 के करीब मुकदमा थे जिनके ट्रायल इस वजह से नहीं हो पा रहे थे कि उनके मुकदमा के चलान कोर्ट में सेल्फ रिपोर्टिंग हुए थे, प्रोसिक्यूशन के थ्रू कोर्ट में जमा नहीं हुए थे। तो पेंडिंग केसेस और जो रनिंग केसेस थे तमाम को मिला के हमने कोर्ट में अलहमदिल्ला सबमिट किए। और जैसे आपको पता है कि लाहौर का एनुअल क्राइम जो है वो 3,00,000 के राउंड और 3,00,000 से क्रॉस कर चुका हुआ है, तो वो पेंडेंसी अगर जमा होती है तो बहुत ज़्यादा लोड हमारे आईओज पे आ जाता है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा, इसमें कोई 2,50,000 के करीब मुलजमान अरेस्ट किए और 1,315 गैंग्स अरेस्ट किए, जिसमें 3,000 से ऊपर मुलजमान जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिसको हम कहते हैं, जो मगिंग करते हैं और जो स्ट्रीट्स में लोगों को लूटते हैं, रोड पर लूटते हैं, रॉबरी और डकैती में इन्वॉल्व हैं, तो 3,000 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अलहमदिल्ला वो मुलजमान गिरफ्तार किए और उनके चलान अदालतों में भिजवाए। इसके अलावा जो कत्ल और अंधे कत्ल के जो मुलजमान थे, वो भी हमने कोई 2,676 मुलजमान वो अरेस्ट किए। ए और बी कैटेगरी के इश्तहारी मुलजमान जो हैं, लाहौर में आपको पता है बहुत बड़ा लोड है और पीओस का लोड जो है, जब तक उस वक्त तक क्राइम रिड्यूस नहीं हो सकता जब तक आप इश्तहारियों के खिलाफ प्रॉपर कैटर हो। तो जो ए कैटेगरी के इश्तहारी, जिनको हम ए कैटेगरी इसलिए कहते हैं कि वो कत्ल के और डकैती के मुकदमात के इश्तहारी हैं और अगवा के मुकदमात के इश्तहारी हैं, वो हमने तकरीबन 3,000 के करीब 2,850 से ऊपर वो इश्तहारी गिरफ्तार किए और क्लोज टू 10,000 9,664 मुलजमान जो है जो दूसरे मुकदमात के इश्तहारी हैं वो गिरफ़्तार किए। तो वो टोटल जो है वो हमने 12,000 के करीब इश्तहारी मुलजमान भी गिरफ़्तार किए। बाकी मुकदमा जो है वो 6,000 के करीब हमने वो फाइनल किए। इसी तरह से रेप और जो सॉडमी के केसेज हैं उसमें कोई 1,331 मुलजमान वो गिरफ़्तार किए गए। अब रिसेंटली एक कैंपेन आपके नज़र में होगी जो अनलाइसेंस ड्राइवर्स और अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ कैंपेन चल, उसमें हमने 30,709 केसेस रजिस्टर कर चुके हैं 30,000। तो 30,000 मुकदमात जो हैं ये भी शामिल हैं, जिसमें जिसकी वजह से आपको पता है कि उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट ये आया कि जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं उस पर लोगों का रश बढ़ गया और फिर हमें 24 आवर्स, जैसे आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव दिया कि थानों में भी वो लर्नर लाइसेंस शुरू कर दिए गए बनाने और ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी लर्नर लाइसेंस बनाने शुरू किए गए। तो ये इसी चीज़ का इम्पैक्ट है, जो अनलाइसेंस्ड गाड़ियाँ लोग चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे और अंडर एज ड्राइविंग कर रहे थे, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, जो मैंने आपको बताया 30,000 मुकदमा। इसके अलावा बिजली चोरी के खिलाफ एक नेशनल कॉज था, उसमें हमने 24,000 से ऊपर FIRs दर्ज की 2023 में 2023। तो ये दोनों हेड्स में मिला के कुछ 54,000 केसेज, जो स्पेशल कैंपेन के केसेज हैं, कोई 54,000 जो हमने रजिस्टर किए। अलावा एरियल फायरिंग और वेपन के खिलाफ भी कैंपेन जो है उसमें भी इन्वेस्टिगेट, ऑल्दो ऑपरेशंस का ये मेन काम है और वो करते हैं, लेकिन हमने भी इसमें अपना रोल प्ले किया और उसमें असले के मुकदमात के मुलजमान जो हैं वो 3,000 से ऊपर गिरफ्तार किए। ये कुछ हाईलाइट्स थी, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा SSP इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो आपको कुछ जो लीडिंग केसेस ऑफ 2023 है वो ब्रीफली आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस थे और
चैलेंजिंग केसेस थे आपके सामने, कुछ आपके जहर आपके भी नॉलेज में है, वो हमने सॉल्व किए, तो ओवर टू असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। मैं आपसे ये शेयर करूंगी जो हमने हाइलाइटेड केस जैसे सर ने बताया कि बहुत चैलेंजिंग थे हमारे लिए, अगर ये सॉल्व नहीं होते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इशू बन सकते थे, और दोज वर ऑल रिलेटेड टू, पहले हम अंधे कत्ल की बात कर लेते हैं, जैसे शादबाग में केस हुआ अंधे कत्ल का, तो उनके मुलजमान को हमने कराची से ट्रेस किया और वहाँ से पकड़ के लाए, और ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊँगी, आई वुड जस्ट मैंशन द केसेज। उसके अलावा बच्चों के अगवा के केसेज हैं, इस्लामपुरा और शाहदरा में बच्चे अगवा हुए थे, हमारे पास कोई क्लू नहीं था, उनको भी हमने दूसरे शहरों से तलाश करके हम लेके आए। फिर इसी तरह शाहदरा का केस है, वो भी 302 का था, जिसमें अंधे कत्ल में मुलव्वस था और उसने अपने दोस्त को मार दिया था। बच्चों के अगवा में और भी केसेस शामिल हैं, जिसमें शाहदरा से अगवा होने वाला जो मोहम्मद ईसा था उसको 12 घंटों में बाजियाब कराया गया। मजीद बहुत सारे ब्लाइंड मर्डर्स हैं, जिसमें से सब्जाजार में, मिस्री शाह में, चादरा टाउन में भी, और ये सारे ब्लाइंड मर्डर्स हैं जिनको ट्रेस किया विदाउट एनी क्लू, हमारे पास कोई क्लू नहीं था इसका, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सारे केसेस हमने ट्रेस किए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था काना में, 4 बच्चों को उसके वालिद ने मारा था और उसका अगवा करा केस करवा दिया था, वो भी बिल्कुल ब्लाइंड था हमारे लिए, और फिर उसमें 4 बच्चों का मर्डर उसका वालिद निकल आया। चूंग में जो मर्डर हुए, उस वक्त जो 5 मर्डर हुए थे, तो तब भी कोई क्लू नहीं था हमारे पास, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली हम पहुँच गए उसके कातलों तक जो कि जायदाद के तनाजे पे 5 मर्डर्स किए गए थे। बिस्तर कॉलोनी में ड्रम में पड़ी हुई 2 लाशें मिली जो कि बिल्कुल अननोन थी, पहले लाशों की तरह हमने शनाख्त की और उसके बाद उसके जो मर्डरर्स थे उनको पकड़ा, बहुत हेक्टिक एफर्ट्स के साथ, और उसमें हमें तकरीबन 15 से 20 दिन लगे और वो भी ट्रेस हो गया। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे बस पे फायरिंग वाला केस था, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, हम सब ने टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। ये इन्वेस्टिगेशन हैड ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल एंड हैड बीन गाइडिंग ऑल द टीम दैट हाउ टू ट्रेस दीज ऑल दीज केसेस, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे और इसमें टीम वर्क ने सारा रोल प्ले किया। ब्लाइंड मर्डर्स थे उसमें से हमारे पास अभी साल में जितने भी ब्लाइंड मर्डर्स हुए हैं सिर्फ हमारे पास 4 पेंडिंग रह गए हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइल स्टोन विच वी हैव अचीव्ड, दिस इज ऑल द टीम वर्क और ये सारा काम किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा 2 हमने जो इसी साल 4 मुजमान जो हैं वो लाहौर के जो हिलेस केसेस में इन्वॉल्व थे वो अबू धाबी से या दुबई से अरेस्ट करके लेके आए, उनमें से एक मुजरम जो था उसने डबल मर्डर का केस था 2014 का, और वो 9 साल के बाद वो अरेस्ट हुआ और वो अबू धाबी में स्पॉट हुआ, जो आई जी साहब का इनिशिएटिव था इंटरपोल का, और उसने हमारी टीम में जाके वहाँ से उनको ट्रेस करके वो अरेस्ट करके लेके आए। ये जो टीम मेरे साथ लेफ्ट और राइट पर बैठे हैं, ये इनकी मैं कुछ परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट है, ये तमाम एसपीज हैं, डिविजनल एसपीज इन्वेस्टिगेशन जो काम कर रही हैं, बाबर है, मुजीस है, एसपी सियारा खुद भी एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन रही हैं, पीला एंड बुशरा इज़ एसपी कैंप इन्वेस्टिगेशन, मुनज़ा इज़ एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन, इन तमाम ने जो कम्बाइंड एफर्ट की उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आपको जैसे कुछ दिन पहले भी बताया गया कि क्यूमुलेटिवली जो लाहौर का क्राइम है वो 152 कॉल की जा रही थी, जो गिनेस क्राइम है जिसमें रॉबरी, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, व्हीकल स्नैचिंग, बर्गलरी, कार थेफ्ट, मोटरसाइकिल थेफ्ट, कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, बर्ड 365 दिन किडनेपिंग और हर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस और स्ट्रीट क्राइम, ये तमाम हेड्स में 39% रिडक्शन आई है, 39% है, और आप फिगर्स आपके सामने हैं, फिगर्स के साथ में बात कर रहा हूँ कि लाहौर के अंदर जो रॉबरी के 3677 एवरेज केसेस एक महीने में रिपोर्ट होते थे वो 2300 पे आए हैं, जो 15 की कॉल्स की बात कर रहा हूँ। ये वो चीज़ है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ये नापने का कि आपका क्राइम कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 15 की कॉल जो है वो कोई ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि ये पब्लिक ने करनी है और एक रिकॉर्ड एवरी कॉल इज़ रिकॉर्डेड बाई सेफ सिटी और जो आपके सेफ सिटी में करनी है, तो ये उसका इम्पैक्ट ये आया कि आपकी रॉबरी में, और मैं मर्डर में भी बताना चाहूँगा कि यू बी सरप्राइज टू नो कि एवरेज जो मर्डर पीक किया लाहौर में अंदर लाहौर के अंदर वो मार्च के महीने में 68 जो नवंबर दिसंबर में रिपोर्ट हुआ जो 15 की कॉल है मर्डर की वो 21 है,
अब इसमें भी कोई 300% रिडक्शन है या 350% रिडक्शन है, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जो मर्डर के क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था वो भी आप देखें कि तमाम क्राइम के साथ मर्डर भी नीचे आया, हालांकि पर्सनलिस्टिक रीजंस की वजह से ये क्राइम होता है। में अगर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जाए, प्रिवेंटिव एक्शन सही लिया जाए, ओल्ड एनमिटीज के खिलाफ आप एक्शन लें, मुजमान को टाइमली अरेस्ट करें, 324 के मुजमान जो है जो हर्ट के या 324 इस्लामी कतल के मुजमान टाइम पे अरेस्ट करें तो वो मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ओल्ड मैन एनमिटीज पे कार्रवाई करते हैं तो वो मर्डर में, इसी तरह अगर आप ऑर्गेनाइज शूटर्स को के साथ डील करते हैं प्रॉपरली, उसको ऑर्गेनाइज मैनर के साथ उस क्राइम को फाइट करते हैं तो उससे भी आपका इम्पैक्ट का फाइट किलिंग का जो फिनोमेना है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लोगों में इलिमिनेट हो चुका है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज़ टू द टीम, और हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि ये दिस इज़ हाउ आपकी टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन की लाहौर की टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ द IGP एंड CCP लाहौर इस तरह से परफॉर्म किए, और हम इंशाल्लाह ताला मजीद इसको आगे लेके चलेंगे 2024 में इंशाल्लाह मजीद इससे बेहतर काम करने के लिए, और इसी एनर्जी के साथ और पैशन विजन के साथ काम करेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ही होता है, लेकिन ये आप रिसोर्सेज जो हैं आपके उनकी यूटिलाइजेशन दोनों ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होते हैं, उसके अंदर हम प्ले करते हुए सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। तो अगेन वेल डन टीम इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे जो जितने ऑफिसर्स बैठे हैं आई थिंक एंड आई विश के वो फ्यूचर में भी इसी तरह इसी एनर्जी के साथ काम पैशन के साथ जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।